सो भाई सब्जी गर्म हो रही है देखो टनल में। हाँ बोला बादाम बनता है, मैंने बोला बादाम भी मिल जाए। भाई आज महीने बाद बन रहे हैं आलू वाले पराठे, मजे ले रहे हैं, देसी घी के बन रहे हैं, चुल्ली लगा हुआ है। गाइज सुबह सुबह वेदर देख रहे हो आप कैसा हो रखा है, रात को बारिश बहुत हुई है। तो गाइज गैस करो, सब चीज़ें छोड़ के, अच्छी बुरी चीज़ें सब कुछ छोड़ के आप एक टनल में जा रहे हो। भाई जो जन्नत है ना, क्या ही बताऊँ आपको, जो बॉडी को रिलैक्स फील होता है ना, और कहीं नहीं होता होगा। टनल में कीचड़ और कचरे के अलावा स्विमिंग पूल भी है, जैसे कि आप देख सकते हो। इतना साफ पानी है ना भाई, ये पहाड़ों से आ रहा है ऊपर से। तो हमने जाना है आगे, हम डेली कम से कम 5 किलोमीटर सफ़र करते हैं हम सिर्फ एक बार का, फिर दोबारा आना, फिर जाना, फिर आना, तो 15 किलोमीटर लगा ही लो आप डेली के। ये हमारे सरदार जी, इनके साथ मेरी बहुत बनती है। गोगल्स लगाए हुए हैं इन्होंने ऊपर सर पे, चश्मा लगा के दिखाओ ना। ये अब बन गए हीरो, राउडी हीरो। तो एक दिन की बात है, टनल में भालू घुस गया था भाई, तो सारे बंदे भाग गए थे अंदर से कि भालू घुस गया, लेकिन किसी को बाद में वो मिला नहीं, क्योंकि टनल इतना बड़ा है कि पता नहीं चला उधर को गया या इधर को गया। सो कभी मुलाकात होगी भालू से हमारी भी, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार हो जाए, अच्छी बात है, मैं भी देख लूँ भालू, नहीं तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा शायद, TV पे ही देखने को मिलता है अक्सर। तो ये हो रहा है TR रेडी हो रहा है भाई, देखो कितनी तगड़ी मशीन होगी जो इसको कट करती है, ये ऐसे पूरे के पूरे अंदर से निकाल देती है गोल गोल कंक्रीट। सो ये TR होता है जैसे टनल में साइड में वो, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया, ऐसे बने होते हैं इमरजेंसी पॉइंट होते हैं, इनमें गैस सिलेंडर वगैरह जो भी होता है सब कुछ। भाई टनल बना रहे हैं, एक दिन इस टनल में आऊँगा ज़रूर जब चलेगा ये। तो बाकी अंदर ख़तरा काफ़ी होता है, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख रहे हो तारे शारे सारी ऐसे ही आती है बाहर से। है? एक गुलाब की कैंडी चढ़ती है पूरी 8 प्लेट में चढ़ जाती है। आज 2 दिन हो चुके हैं, ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है ठंड में, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है 2-3 दिन से लगातार, और अंदर ओस वगैरह भी पड़ रही है,